अंबाला के सरकारी अस्पताल में एक निजी संस्था की ओर से बीते दो महीने से रसोई सेवा की जा रही है। इसके तहत संस्था अस्पताल में आने वाले लोगों को ₹5 में साफ व स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। कई राजनीतिक और सामाजिक लोग यहां पर आकर खाना खा चुके हैं और इस परमार्थ के लिए संस्था की तारीफ कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा सरकारी अस्पताल में चल रही रसोई सेवा को देखने पहुंची, जहां वह रसोई की व्यवस्था व साफ सफाई की तारीफ करती हुई नजर आई। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने खुद लोगों को खाना भी वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से किए जा रहे इस परमार्थ के लिए संस्था की तारीफ की। बहुत ही बढ़िया मुहिम शुरू करी है बच्चों ने और बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आप सबसे पहले मैंने इनका किचन देखा, बहुत साफ सुथरा किचन है और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन खाना बना रहे हैं, जो लोगों को बहुत ही कम कीमत में मुहैया कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही नेक काम है और अच्छे रास्ते पे ये बच्चे चल रहे हैं। और आपने देखा है कि सब नौजवान बच्चे हैं जिनकी सोच बहुत ही अच्छी है। और देखिए, अस्पताल में बहुत सारे मरीज होते हैं, उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, खाना खाने के लिए उनको दर बदर नहीं घूमना पड़ता है, उनको पता है कि यहाँ पर उनको साफ़ सुथरा, स्वच्छ और बहुत पौष्टिक खाना मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है, बहुत सराहनीय है। वही इस दौरान फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि दो महीने पहले इस रसोई को शुरू किया गया था और आज यहां हर रोज 500 से ज्यादा लोग खाना खा रहे हैं। लोगों को अच्छा साफ सुथरा खाना मिले, यही हमारी कोशिश है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, तो आप सबको बधाई हो। और कहते हैं कि गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख ना हुई। गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख ना हुई। जो भी इंसान, जो भी मनुष्य गुरु की आज्ञा में अनुसार चलता है, उसको कभी भी दुख और बाधाएं उसका रास्ता नहीं रोकती हैं। तो हमारी आस्था फाउंडेशन को आज दो महीने लगभग पूरे हो गए हैं और काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमें, और यहाँ लगभग 500-600+ लोग रोज खाना खा रहे हैं। संस्था द्वारा सरकारी अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए अच्छा और साफ सुथरा खाना मिल रहा है, जो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है, क्योंकि अक्सर सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली कैंटीनों में जो खाना मिलता है वो महंगे रेट पर मिलता है और उसकी क्वालिटी भी सही नहीं होती। पंजाब के सी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।